एक बार फिर से सभी को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम। फिजिकल हेल्थ जो हमारी है, शारीरिक स्वास्थ्य, उसके बारे में तो गुरु जी बताते भी हैं और हम सब जान भी रहे हैं बीमारियां हैं। एक बीमारी आई थिंक जो मोस्टली लोगों को आजकल है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे मैं भी सफ़र कर रही थी, आई थिंक मेंटल हेल्थ, लोगों की आजकल जो मानसिक स्वास्थ्य है ना, वो भी उतना ही खराब हो चुका है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य खराब है लोगों का। बाहर की बीमारियां बस दिख जाती हैं, अंदर की बीमारियां दिखती नहीं हैं। और जो मानसिक स्वास्थ्य है, मैंने यहाँ पे आके रियलाइज किया कि वो भी हमारे खाने पीने से रिलेटेड ही है। ध्यान, सत्संग, जो भी गुरु जी बता रहे हैं ना, उससे सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक होगा। और मानसिक स्वास्थ्य भी आज के दिन लोगों का उतना ही खराब है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य खराब है। गुस्सा, एंजाइटी, यू नो, डिप्रेशन, अच्छा नहीं लगता है कोई, मतलब कोई दूसरे हमें अच्छे लगते हैं, दूसरे की प्रोग्रेस हमें अच्छी नहीं लगती है, है ना, हर वक्त स्ट्रेस। मैं भी वो चीज़ से सफ़र कर रही थी काफ़ी टाइम से, बट ये जो चीज़ है, जो नेचुरोपैथी है, जो प्राकृतिक स्वास्थ्य जो गुरु जी बताते हैं, खाना पीना प्लस सत्संग, ध्यान, अच्छी संगत, गुरु जी जैसे महान व्यक्तियों की संगत, उससे मेंटल हेल्थ 100% इम्प्रूव होती है। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर इम्प्रूव नहीं होगी तो मैं ये समझती हूँ कि चाहे आप खीरा टमाटर भी खाते रहें डेली, पेटे का जूस, ये सारे रूल्स फॉलो करें ना यहाँ पे जो बताए जाते हैं, वो फ्रूटफुल नहीं होगा आपका। बिकॉज आप सारी चीज़ तो फॉलो कर रहे हैं मगर मेंटल हेल्थ इम्प्रूव नहीं होगी, क्योंकि वो सारी चीज़ इम्प्रूव होगी इसके साथ साथ आप ध्यान करेंगे, आप सेवा करेंगे, आप सत्संग सुनेंगे, आज अच्छी संगत करेंगे, वो चीज़ उससे इम्प्रूव होती है। तो वो बहुत ज़रूरी है, और वो बहुत ज़्यादा बीमारी आजकल फैली हुई है। इसलिए जिसको लगता है ना कि ठीक है अभी मैं बीमार तो नहीं हूँ, मतलब फिजिकली वो फिट लगता है एकदम ठीक है कि अभी कोई मुझे फिजिकल प्रॉब्लम नहीं, मगर गुस्सा तो आता है, हर किसी को आता है ना, घमंड भी हो ही जाता है कि कोई चीज़ देखे कि हाँ भाई मैं, मेरे पास ये है, मैं इतने मतलब पोजीशन पे हूँ, मेरे पास इतना ये कुछ है, तो फिर उससे भी इंसान को घमंड भी आ जाता है, गुस्सा भी आता है, डिप्रेशन में भी सब कुछ है, एंजाइटी भी आजकल हर दूसरे इंसान को है, तो उस चीज़ से भी तो ग्रसित है। तो इसलिए हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ को ही अपना नहीं देखें, हम मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोचें कि भाई मेंटल हेल्थ भी हमारी कितनी ज़्यादा डाउन जा रही है, और उसके लिए भी वर्क करें। सिर्फ फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है, और ये मेंटल हेल्थ के लिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम सात्विक भोजन की बात करते हैं, सात्विक भोजन से मैंने रियलाइज़ किया, प्रैक्टिकली रियलाइज़ किया कि मेंटल हेल्थ बहुत इंप्रूव होती है। जो कहा जाता है ना कि जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, ये बहुत बहुत एकदम सही, 100% प्योर बात कही है किसी ने, कि बिल्कुल सही गारंटेड बात है कि हमारी मेंटल हेल्थ इसीलिए एक्चुअली ख़राब हो रही है, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं, टाइम का कोई टाइम शेड्यूल नहीं है खाने का, ठीक है, ओवर ईटिंग हम लोग कर लेते हैं, खाते हैं तो गलत चीज़ें खाते हैं, उससे हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इसलिए हमें अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, और जो जिसकी फिजिकल अभी ठीक, फिजिक ठीक चल रही है कि हाँ भाई चलो फिजिक ठीक चल रही है, अभी तो कोई खास बीमारियाँ हैं नहीं चल रहा है, तो हम अपनी मेंटल हेल्थ के लिए एटलीस्ट हम सोचें। और यहाँ आने के बाद मेरी मेंटल हेल्थ से मैं स्ट्रगल कर रही थी, पर आज मैं कह सकती हूँ कि मैं 100% मैं कह सकती हूँ कि मैंने उससे कोप अप कर लिया है, और मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, और फिजिकली और मेंटली दोनों प्रॉफिट मैंने कमाए हैं यहाँ के। तो इसलिए जितना थैंक यू गुरु जी का कर सकते हैं शब्दों से कहना मुश्किल है। मेरी लाइफ, आई थिंक लाइफ लॉन्ग मुझे डेली हर सेकंड में बोलूँगी थैंक यू तो वो कम रहेगा, इसलिए हर सांस के साथ अभी थैंक यू कबूल कीजिए गुरु जी, हम सब की तरफ से, पूरी संगत की तरफ से थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, आप सभी को भी प्रणाम। बात मानसिक रोगों की आई थी, तो इसका अनुभव मैं अपना ही बता देता हूँ, इसलिए मैंने सोचा बताता हूँ। मैंने 15 साल डिप्रेशन की गोली खाई है, सर गंगाराम हॉस्पिटल से मैंने 15 साल डिप्रेशन की गोली खाई है, और भी बीमारियाँ काफ़ी थी, तो वो सब जो बात थी ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, तो यहीं से ही मैं ठीक हुआ हूँ उस मानसिक तनाव से भी। आज 8 साल से मैं आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ, आज तक मैं किसी चीज़ की अब कोई गोली नहीं खाता हूँ, और ना मेरे को कोई बीमारी है, नहीं तो मेरे जितनी बीमारी आप किसी को भी नहीं होगी। शुगर था मेरे को, बीपी थी मेरे को, स्किन की मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, साइनस था मेरे को, डिप्रेशन था मेरे को, कब्ज़ थी मेरे को, बहुत बीमारियाँ थी,
मैं कहीं ठीक नहीं गया था। मैंने गुड़गांव दिल्ली का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, कोई भी बड़े से बड़ा। मेरे को मेडिकल फैसिलिटी कंपनी से मिलती है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में जॉब करता हूँ फिलहाल। मैंने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, मैं कहीं ठीक नहीं गया था। जब गुरु जी की शरण में आया हूँ तो आज मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ और धन्य हूँ। मेरा कोई रोग नहीं, ना मैं कभी कोई किसी की गोली खाता हूँ। तो आप लोग भी जुड़े रहिए, अमल करिए, बातों को सुनिए और उतारिए अपने आप अंदर। जब तक आप फॉलो नहीं करोगे ठीक भी नहीं होगे। सुन के चले गए फिर वही खान पान करना शुरू कर दिया तो कोई फायदा नहीं है। मैंने सभी चीज़ों को तकरीबन फॉलो मैं करता हूँ, इसलिए मैं स्वस्थ हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।